नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बॉलीवुड की खबरें। सलमान खान की हीरोइन ने डोनेट की अपने बाल, वजह जानकर पति युवराज सिंह को होगा गर्व। दरअसल फिल्म बॉडीगार्ड में करीना कपूर की फ्रेंड का रोल करने वाली हेजल कीच एक बड़ी और नेक फैसले की वजह से सुर्खियों में है। हेजल क्रिकेटर युवराज सिंह की पत्नी है। इस साल अगस्त में वह दूसरी बार मां बनी। उन्होंने बेटी को जन्म दिया जिसका नाम आरा रखा। दो बच्चियों को मां हेजल ने हाल ही में एक ऐसा काम किया जिससे वह फैंस का दिल जीत रही है। हेजल ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई हेयर स्टाइल की फोटो शेयर की। उन्होंने कुछ पिक्चर्स शेयर करते हुए खुलासा किया कि ज्यादा बाल झड़ने की वजह से उन्होंने अपने बाल कटवा दिए। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने एक नोट में बताया, मैंने हमेशा देखा है कि नई माएं अपने बाल कटवा लेती है। मुझे डिलीवरी के बाद बालों के झड़ने के बारे में पता चला। जब आप नन्हे मेहमान के साथ एडजस्ट कर रहे होते तो चीजें ऐसी होती है। उन्होंने कहा, जब मैंने अपने बाल फिर से छोटे किए तो मैंने फैसला किया कि मैं कैंसर के इलाज से गुजर रहे लोगों के लिए विग बनाने के लिए अपने बालों को डोनेट करूंगी। मेरे पति ने बताया था कि इस बीमारी में होने वाली कीमोथेरेपी के दौरान वह अपने सारे बाल आंखों की पलके और भौंहें झड़ते देखते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है। नजर डालते हैं एक और खबर पर। मिकेश तानिया की जोड़ी ने मचाया धमाल, परमानेंट रूममेट सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज। दरअसल इस साल की मोस्ट अवेटेड रोमांटिक ड्रामा सीरीज परमानेंट रूममेट्स सीजन 3 का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इससे पहले इस सीरीज की रिलीज डेट बताई गई थी। परमानेंट रूममेट्स के इस नए सीजन में सुमित व्यास और निधि सिंह के साथ साथ सचिन पिलंगवाकर, शीबा चड्ढा और शिशिर शर्मा सहित कई कलाकार नजर आने वाले हैं। इस सीरीज का ट्रेलर काफी ज्यादा दिलचस्प और धमाकेदार है। इसने फैंस को भी काफी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है। चलिए देखते हैं क्या दिखाया है परमानेंट रूममेट 3 सीजन में। परमानेंट रूममेट सीजन 3 के ट्रेलर में सुमित व्यास और निधि सिंह के किरदार में मिकेश और तानिया की जोड़ी देखने को मिलने वाली है। इन दोनों की लाइफ की नई झलक दिखते हुए सीजन का ट्रेलर शुरू होता है। दोनों खट्टी मीठी नोकझोंक के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद यह कपल अपने फ्यूचर को लेकर बात करता है जिसमें दोनों के अलग अलग प्लान सामने आते हैं। रुक करते एक और खबर का। हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बनी जवान, नेशनल सिनेमा डे पर छापे इतने नोट। दरअसल शाहरुख खान की फिल्म जवान ने शुरुआती कुछ हफ्तों में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नंबर दिया। हालांकि पांचवें हफ्ते तक आते आते फिल्म का कलेक्शन ग्राफ नीचे गिरने लगा, लेकिन नेशनल सिनेमा डे ने जवान का गेम ही बदल कर रख दिया। 13 अक्टूबर को कई फिल्मों के टिकट प्राइस 99 रुपए कर दिए गए। ऐसे में जवान फिल्म को इसका फायदा जरूर मिला। एटली कुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म जवान पहले दिन से कई दिनों तक रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करती रही। लंबे समय तक लोगों में फिल्म का क्रेज बना रहा। हालांकि बीते कुछ दिनों में इसकी कमाई पर दूसरी फिल्मों के रिलीज होने का असर जरूर दिखा है। फिल्म पिछले कुछ दिनों में 70 से 80 लाख तक की कमाई कर रही है। वहीं नेशनल सिनेमा डे पर किंग खान की इस मूवी ने 5 करोड़ तक का बिजनेस कर डाला। यही नहीं, एटली के निर्देशक में बनी ये फिल्म सिनेमा के इतिहास में हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बन चुकी है। रेड चिलीज के फिल्म का लेटेस्ट कलेक्शन शेयर किया है जिसमें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी शामिल है। शाहरुख खान की फिल्म ने 1125.20 करोड़ का कलेक्शन किया। वही नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 629.63 करोड़ है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी अब डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।